भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा अभी जारी है। इस दौर में क्रिकेट के कई दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों की तुलना ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से की है, लेकिन इस दौर पर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की तुलना की है। क्रिकेट में कई खिलाड़ी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी लोगों के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। हालांकि ऐसे खिलाड़ियों की गिनती कम है, क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली और एमएस धोनी ऐसे ही वो दो नाम हैं जिन्होंने मैदान पर ही नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के दिमाग पर भी अपनी छाप छोड़ दी है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रभावी खिलाड़ी कौन है। इस सवाल को लेकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन ने भी अपनी राय दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के मजे हुए ओपनर रहे मैथ्यू हेडन इस मामले में विराट कोहली के साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेडन ने दशक के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी के तौर पर एमएस धोनी का नाम लिया है। बाएं हाथ के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने एक शो के दौरान कहा कि धोनी का वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि 2011 की वर्ल्ड कप जीत उनके लिए मील का पत्थर है, लेकिन इसके अलावा भी धोनी के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। वो आईसीसी के तीनों बड़े खिताब जीतने वाले एकमात्र कप्तान है। हेडन ने यह भी कहा कि धोनी सिर्फ एक बेहतर लीडर नहीं बल्कि एक शांत और शानदार खिलाड़ी भी है। उनके जैसे खिलाड़ी का किसी भी टीम के मिडिल ऑर्डर में होना बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और आपके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में ज्यादा प्रभावशाली कौन है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।